चने की दाल 2 कप ली हूँ और इसको वॉश करके आप चूल्हे पे चढ़ा दें। जब चने की दाल बिल्कुल नरम हो जाएगी तो उसके बाद आप सिल बट्टे पे पीस लें या मशीन में पीस लें। मैंने कांटे की मदद से इसको बिल्कुल बारीक कर ली हूँ। अब मैंने कढ़ाई में 1/2 कप तेल डाली हूँ। उसके बाद जो है दाल, जो पिसी हुई दाल है, उसको मैंने इसमें कढ़ाई में डालती हूँ। अब चने की दाल को अच्छी तरह से भूने। अब छोटी इलायची इसको पीस के इसमें डालें। इसके बाद जो है बादाम पिस्ते भी आप ना काट के भी डाल सकते हैं या आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद खोपरा भी पिसा हुआ डालें। अब इसको अच्छी तरीके से भूनें। अब आप जर्दे का रंग डालें। इसके बाद जो है आप चीनी जो है 2.5 कप डालें। उसके बाद भूनें। मैंने 1/2 किलो मैदा ली हूँ। इसमें थोड़ा सा यानी कि चाय का चम्मच 1 नमक का डालें। इसके बाद तेल भी आप 1/2 कप डालें। अब आप उसको मिक्स कर लें। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से यानी ये मिक्स करें। उसके बाद आटा जो है बिल्कुल यानी कि नरम नहीं होना, बिल्कुल सख्त होना। उसके बाद इसको ढाप के रख दें। अब गुने हुए आटे में से 1 बड़ा पेड़ा बनाएं, उसको अच्छी सी बड़ी रोटी बेलें। अब बड़ी रोटी बेलने के बाद 1 कप या फिर कटोरे की मदद से इस यानी कि 4-5 पीस आप बना लें। अब जो है आप ये जो छोटी छोटी रोटियां हैं इसके सेंटर में 1 चम्मच जो है मीठे का डालें। इसमें यानी कि आप इसी तरह मोड़ें, मोड़ के आप इस तरह बना के रखें। मैंने तलने के लिए 3 पाव घी ली हूँ।
तेल गरम होने के बाद जो मैंने पूरियां बनाई हूँ इसमें तले। खीर के लिए मैंने 1 किलो दूध ली हूँ। आधा कप चावल को मैंने धो के पहले प्लेट में फैला दी हूँ, यानी कि चावल को मैंने सुखाया है। उसके बाद इसको बारीक मशीन में डाल के पीस लें। पहले मैंने इलायची पाउडर डाले, उसके बाद जो है जो मैंने चावल पीसी थी वो इसमें डाल दें। जब चावल गल जाए तो इसके बाद आप चीनी जो है 3 कप डालें। आप खोआ 1/2 कप ऐड करें। आखिरी में आप बादाम और पिस्ते डालें।